मैं इन गधों की फौज में खड़े होकर घोड़ा जो शर्म से मर जाता है, मैं इन गधों के साथ मरना नहीं चाहता था। मैं भूपेश बघेल जैसे व्यक्ति को न कभी अपना नेता माना न कभी मानूंगा। दोनों सगी बहन, एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन, मेरा एक बेटा है और एक पोती है, ये चारों के चारों मर जाए, चारों के चारों मर जाए, अगर अमर अग्रवाल ने मुझे एक रुपए दिया। वार्तालाप है ये शैलजा और शैलेश पांडे के खिलाफ है, रामशरण यादव के खिलाफ तो है ही नहीं। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो है अरुण तिवारी जी। इनके लिए कहा जाता है कि वे जो है प्रदेश की और खासकर बिलासपुर की राजनीति को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। पिछली बार इन्होंने नारा दिया था कि सेठ तो गए हो, और उसके बाद सेठ को सच में जाना पड़ा था। सेठ से बात चली है तो बिलासपुर शहर में इस वक्त महादेव ऐप की खूब चर्चा चल रही है, और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के बारे में भी खूब चर्चाएं हो रही हैं कि आखिरकार ईडी को जो नोटों से भरा बैग मिला वो किसकी गाड़ी में और किसके भतीजे की गाड़ी में मिला था। नया मामला जो बिलासपुर शहर के है वो है मेयर के साथ अरुण तिवारी का कन्वर्सेशन या बातचीत, जो कि अब सार्वजनिक हो गया है। अरुण तिवारी ने शायद खुद ही किया होगा या किसी और ने कर दिया होगा, इस बारे में जानना चाहेंगे। और आखिरकार जो बिलासपुर शहर की पॉलिटिक्स है उसको डीफ्रेम करने पे या मेयर को डीफ्रेम करने पे उनको किस तरह से लाभ मिलेगा, और जैसा कि एलिगेंस उनके पर लगता रहा है कि वो एक वोट कट्टू नेता हैं या जो है वोट काटने वाली मशीन की तरह काम करते हैं, इस बार तो चुनाव चिन्ह ही कैंची मिल गई है उनको, तो ये संयोग है, आइदर इसको जो है परिभाषित भी वो कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अरुण तिवारी जी। ये कहा जाता है कि कांग्रेस के भीतर जो वरिष्ठ नेताओं का जो भविष्य है वो एक समय के बाद जो है वो आगे बढ़ता नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा राजनीति होती है, क्या उनमें से अरुण तिवारी का नाम है? यह दुर्भाग्य है, राजनीति की कटु सच्चाई है कि हर नाकाबिल व्यक्ति काबिल लोगों को किनारे करता चलता है। गधे आगे बढ़े, घोड़े घर में बैठे, राजनीति की कोशिश आजकल यही रहती है। और ये बात राजनीति में लागू है तो कांग्रेस में भी लागू है, भाजपा में भी लागू है। अगर ये बात इस तरह से लागू है और अरुण तिवारी को बार बार जो है निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है, हम देखते हैं कि एक विशेष पहचान है आपकी, खुली जीभ होती है, पीछे लोग बैठे होते हैं, दोपहर दोपहरी को समय हो या रात का समय हो, आप इसी में प्रचार प्रसार करते हैं। इसी समय में जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टी चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, अरुण तिवारी को वोट कट्टू नेता के तौर पे परिभाषित करना चाहते हैं, ये क्या सही है? दरअसल मैं अपने आप को कर्ण के भाग्य से जुड़ा हुआ पाता हूं। जैसे कर्ण का भाग्य था, दुर्भाग्य था, जो भी था, धृतराष्ट्र ने यह कह रखा था कि जब तक मुझमें सांस है महाभारत के युद्ध में कर्ण नहीं लड़ पाएगा, पर उसे मैं एक धृतराष्ट्र थे। मेरे लाइफ में बहुत सारे धृतराष्ट्र आते रहे, हर चुनाव में एक नया धृतराष्ट्र पैदा हो जाता था कि मेरे रहते अरुण तिवारी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। सीधा सा कारण है, अरुण तिवारी अपनी योग्यता के आधार पर ही 1985 में योग्यता के आधार पर टिकट लाया था। मैंने इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन के लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में भाषण दिया था, उसके बाद मैंने बिहार में कटिहार में तारिक अनवर जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके क्षेत्र में मैंने भाषण दिया था, और लोकसभा के पूरे सेगमेंट में भाषण देने के बाद मेरी काबिले से वो खुश हुए और मुझे को हवाई जहाज में बैठा के दिल्ली ले गए, और उसके बाद टिकट दे के मुझे बिलासपुर रवाना किया। मैं अकेला हुआ, ऐसा यही हुआ कि लोगों ने देखा, अरे गजब, ये आदमी इलाहाबाद अमिताभ बच्चन के यहाँ, ये आदमी तारिक अनवर यूथ कांग्रेस, ये आदमी दौड़ता हुआ घोड़ा है। एक पिक्चर आई थी अग्निपथ, उसमें गुंडे मवाली लोग कहते हैं जब अमिताभ बच्चन का बचपन का रूप रहता है, चिंगारी है चिंगारी, ये हमारे तमाम जो काले धंधे हैं इसको खत्म कर देगा, आग लगा देगा। अजीब संयोग है, मेरा नाम भी सीपत क्षेत्र में, बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में, भोपाल में चिंगारी के नाम से ही जाना जाता है। अर्जुन सिंह जी मुझे चिंगारी कहते थे, महाराजा माधवराव सिंधिया मुझे चिंगारी कहते थे, और ये जो नाकाबिल नेता है, ये नाकाबिल नेताओं को जानकारी है कि अगर अरुण तिवारी को मौका मिल जाएगा तो ये बड़ के पेड़ के समान इसकी जड़ें दूर दूर तक जाएंगी, और ये इन तमाम नाकाबिल पाखंडी नेताओं को खत्म करके रख देगा, इसलिए ये लोग मेरी टिकट काटकर अपने जिंदगी को अपने कहा जाता है कि अगर इतने ही काबिल हैं आप, अब जब चुनाव लड़ते निर्दलीय
तो वो जो वोट में कन्वर्ट नहीं होता आपका, वो जो चिंगारी है या जो स्पार्क है आपका, लोगों को उतना समझ में आता नहीं क्या? आपको एक बात बता दूं, मैंने एक ही बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था सीपत से, वो भी 18 साल के बाद, और उस चुनाव में मेरे को 6,500 वोट मिले थे, जिसमें मेरा वोट नहीं था, मेरी पत्नी का वोट नहीं था, मेरी माँ का वोट नहीं था, मेरे भाइयों का वोट नहीं था, मेरी बहनों का वोट नहीं था, मेरे परिवार का वोट नहीं था, मेरे दोस्तों का वोट नहीं था, पार्टियों का वोट नहीं था, फिर किसका वोट था? वो सीपत विधानसभा क्षेत्र के गांव की गरीब जनता का वोट था, जिन्होंने बिजली के कारण मुझे वोट दिया, हैंडपंप के कारण मुझे वोट दिया, जो मैंने स्कूल खुलवाया था इसलिए मुझे वोट दिया, जो मैंने सड़कें इसलिए वोट दिया। बिलासपुर की जनता अब क्यों आप अरुण तिवारी को ज्यादा वोट नहीं करते, क्योंकि आप मेन स्ट्रीम की पार्टी से लड़ तो लेते हैं, बकायदा नामांकन भरते, प्रचार प्रसार करते, मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है? धन्यवाद, आपने एक निष्पक्ष पत्रकारिता मीडिया के रूप में अपने भावनाएं मुझे दी। दरअसल मैं इन नेताओं से प्रभावित करते ही नहीं हूं जो टिकट की दौड़ में रहते हैं। आपको बता दूं और आपके मीडिया के माध्यम से ये भी समझा दूं लोगों को कि मैंने लोकसभा विधानसभा के टिकट न बिलासपुर से टिकट मांगी, आवेदन नहीं किया था मैंने पार्टी से, न बेतवा से टिकट मांगी। मैं तो चुनाव लड़ने ही नहीं चाहता था, मैं इन गधों की फौज में खड़े होकर, घोड़ा जो शर्म से मर जाता है, मैं इन गधों के साथ मरना नहीं चाहता था। मैं भूपेश बघेल जैसे व्यक्ति को न कभी अपना नेता माना, न कभी मानूंगा, इसीलिए मैंने ये चुनाव मैं भूपेश बघेल के खिलाफ लड़ रहा हूँ, लेकिन वो अलग बात है कि मैं शैलेश पांडे के खिलाफ लड़ रहा हूँ, विजय केसवानी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, पर असली मुद्दा है भूपेश बघेल। सीधी सी बात है, आपने अमर अग्रवाल का नाम नहीं लिया। कौन अमर अग्रवाल? वो जिसको मैंने पटकनी देकर मार दिया। मैं मरे हुए लोगों की बातें नहीं करता, मैं उन लोगों की बात करता हूँ, देखता हूँ ये लोग भूपेश बघेल के पीछे घूमकर एक ऐसी षड्यंत्र के शिकार खुद भी हो रहे हैं, कांग्रेस को भी कर रहे हैं और मेरे शहर को भी कर रहे हैं। ये राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा है कि क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण वोट काटेंगे, इसलिए अमर अग्रवाल ने आपको बहुत प्लान वे पे चुनाव लड़ने के लिए बुलाया है। आपके मुंह में घी शक्कर, साथ में खोआ भी। काश आपकी बात सच होती और अमर अग्रवाल मुझे बुलाया तो पैसा देके बुलाएगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है सत्यनारायण की कथा भी अगर करता है तो वो 100,000 रुपए लेता है। मेरी दोनों सगी बहन, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन, मेरा एक बेटा है और एक पोती है, ये चारों के चारों मर जाएं अगर अमर अग्रवाल ने मुझे एक रुपए दिया हो। मैं अपने स्वाभिमान के लिए आरोप लगाते हैं जो लोग, आरोप लगाना तो आरोप तो धोबी ने राम पे भी लगा दिया था, आरोप लगाने की तो छोड़िए, नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मार दी थी, धनु ने राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया था। मैं तो एक भाग्यशाली हूँ कि मेरे ऊपर सिर्फ आरोप लग रहा है, मुझे कुछ गालियां मिल रही हैं और आज से वो गालियां ज्यादा बढ़ जाएंगी, मैं जानता हूँ। मैं गाली की चिंता नहीं करता, मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से टकरा रहा हूँ और मैं गोली की चिंता भी नहीं करता। अभी मेयर के खिलाफ भी एक वीडियो वायरल किया है, आपके अपने कन्वर्सेशन थे, ऐसा लग रहा है कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और कुछ गंभीर विषयों पे उन्होंने खुल के बात करी है, अब मेयर उस कन्वर्सेशन से, उस बातचीत से इनकार भी कर रहे हैं, क्या कहना है, क्या इंटेंशन आपका था? और इसको अब तो अपने साउंड सिस्टम पे इसको बजा के लोगों तक पहुंच रहे हैं आप, आखिरकार शहर के मेयर ने क्या कहा है? देखिए, मैं मेयर के खिलाफ 1% मेरी भावना नहीं है, रामशरण यादव मेरा भाई है और एक छोटा भाई अगर अपना दर्द अभिव्यक्त करे तो मैं सिर्फ उसके गले लगा के उसके सिर में हाथ फेरता रहूं, ये मुनासिब नहीं है। युद्ध के मैदान में अगर मेरा भाई किसी भी कारण से परेशान होकर पीछे हट रहा है तो बड़े भाई का काम है कि उस दुश्मन की सेना को जो मेरे भाई को परेशान की, और एक भाई नहीं ऐसे 50 भाई बेलसरा विधानसभा में जिन्होंने कांग्रेस के झंडा उठा के 5 साल तक काम किया, उनका दर्द कौन सुन रहा है? दलाल विजय केसरवानी और शैलजा जी ने टिकट बेची, वो लोग सुनेंगे क्या? मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ बिलासपुर में भी। अग्रवाल है, उन्होंने भी कई तरह के एलिगेंस लगाए क्षेत्रीय पार्टियों पे, मेयर ने स्पेसिफिक आज ये कह दिया कि वो बातचीत किस संदर्भ में किसके द्वारा की गई है ये मैं नहीं जानता, आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि क्या सच में वो मेयर के साथ आपकी बातचीत है जिसमें वो लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं?
गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। मैंने इस सारा जो वार्तालाप है ये शैलजा और शैलेश पांडे के खिलाफ है, रामशरण यादव के खिलाफ तो है ही नहीं, बल्कि उसका जो दुख दर्द है उसको मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं। आपको ध्यान से सुनिए, रामशरण यादव ये कह रहा है, महाराज मैं जी हूं, जी का समझ लीजिए चालू भाषा में, मैं जी हूं और आप डान हैं। मेरा भाई बड़ा भाई अरुण तिवारी वो बोल सकता है, मैं उसी की इच्छा तो पूरी कर रहा हूँ। ये शहर के मेयर इतने ज्यादा विवश और निरी क्यों नजर आ रहे हैं? टेक्निकली वो 4 या 5 विधानसभा क्षेत्र के एक बॉस होते हैं, इतना बड़ा विधान जो नगर निगम है, और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से भी उनका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो काफी ज्यादा मजबूत है, उनको क्या ऐसा लगता है कि अरुण तिवारी उनके लिए मुंह बन जाए, उनके लिए बोले? एक मरीज डॉक्टर को अपनी गोपनीय बीमारी के बारे में बताता है, गुप्त बीमारियों के बारे में। एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो गुप्त बीमारी के बारे में उन लोगों से कांटेक्ट करे, मैं सीधे कह रहा हूं, पत्नी से कांटेक्ट करे कि भाई देखो इनको ऐसा ऐसा गुप्त रोग है, आप थोड़ा सा अभी दूरी बना के रखिए। तो ये एक मेडिकल टर्म में है कि जो प्रभावित होता है उसे कांटेक्ट करना चाहिए। मैं वही कर रहा हूं एज ए डॉक्टर कि जो रामशरण यादव का दर्द नहीं, हर कार्यकर्ता का दर्द है, उसको किनारे कर दिया गया है। लेकिन आपके छोटे भाई रामशरण यादव ने आज ही इस पूरे वाक्य से इनकार कर दिया, क्या मजबूरी होगी? कोई मजबूरी नहीं है, उसने स्वीकार किया है। आप उस कन्वर्सेशन को दोबारा 4 बार सुन लीजिए। आज उन्होंने मीडिया में आके बातचीत की और उन्होंने बताया कि इस तरह के कन्वर्सेशन का मैं हिस्सा नहीं हूँ। ठीक है, शैलजा जी और शैलेश पांडे, क्योंकि शैलेश पांडे भी आरोप लगाया गया, मैंने नहीं लगाया है, उसने आरोप लगाया है कि उन संस्थाओं को पैसा दिया जाता है कि 25 लाख हमको दो और 25 लाख तुम रखो, मैंने नहीं लगाया। तो शैलेश पांडे, शैलजा, अरुण तिवारी के ऊपर मानहानि का दावा करें। अब ये बात कोर्ट में, हाई कोर्ट में सिद्ध करेंगे बकायदा कि भैया वो आवाज है किसकी। अगर वो आवाज रामशरण यादव की है, आप कोर्ट जाएंगे क्या? मैं क्यों जाऊंगा? शैलजा जाए जिसने 4 करोड़ रुपए खाए हैं, ऐसा रामशरण यादव ने बताया। शैलेश पांडे जाए जिसने 25 लाख रुपए लेके 50 लाख रुपए देता है, जो पैसा खाने के ऊपर जिन पर आरोप लगाया है, मान हानि उनकी हुई है। मेरा तो मान बढ़ा है कि पूरी कांग्रेस में एक अरुण तिवारी मर्द है जो सच बोलता है और बागी बनता है। मैं बागी हूँ, गर्व है मुझे। इस मर्दाना व्यवहार का जो जोखिम है वो आप तक सीमित नहीं है, क्योंकि आप तो पूरे परिवार के साथ निकलते हैं घर के बाहर, तो इस मर्दाना व्यवहार का जोखिम जो है आपके परिवार में, आपके ऊपर और आपकी आने वाली पीढ़ी पे भी हो सकता है। राजनीतिक तौर पर द्वेष और झगड़ा तो एक तरह है, लेकिन नैतिकता के परे जाके बातचीत करना। जिंदगी में हटकर कुछ कर जाऊंगा, जिंदगी में हटकर कुछ कर जाऊंगा। मेरे घर में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं मरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं मारने वाला व्यक्ति हूँ। और एक 25 साल से खुली जीप में चलने वाला आदमी, खुली बातें करने वाला आदमी, अगर ऐसे भूपेश बघेल, शैलेश पांडे और शैलजा से डर गया तो धिक्कार है अरुण तिवारी के ऊपर। मेरे अंदर जेपी तिवारी का खून नहीं है, मेरे अंदर ब्राह्मण का खून नहीं है। जय जय परशुराम करना सिर्फ 9 मई को बोलने से काम नहीं चलता, जय जय परशुराम की जिंदगी जीना पड़ता है, जो राम से भी टकरा गए थे। मैं तो भूपेश से टकरा रहा हूँ, कोई डर नहीं। कुछ व्यक्तिगत सवाल करते हैं, क्योंकि इन दिनों में हमने देखा कि आप थोड़ा वेट ज्यादा आपका बढ़ गया है, कुछ बीमारियों से भी आप जो है रोजमर्रा की बीमारियां जो होती हैं रूटीन की, उससे भी जूझ रहे हैं। कौन कौन से मेडिकल आपको तकलीफ है? सबसे बड़ी बात तो यही है, ये नौजवान खड़े हुए हैं और मेरे बगल में एक दामाद भी है, वो भी डॉक्टर है। मेरे को बीमारी नाम से कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमार आदमी 2-2 विधानसभा से चुनाव लड़ सकता है और दमदारी से लड़ रहा है, तो फिर इसका मतलब है उसका हेल्थ चेकअप होना। हैवी वेट आपका ज्यादा है, बीपी शुगर वगैरह तो और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मैं निश्चिंत हूँ, देश की चिंता नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी करे, प्रदेश की चिंता भूपेश बघेल और रमन सिंह करें, शहर की चिंता अमर अग्रवाल और शैलेश पांडे करें,
अरुण तिवारी तो बगीचे में बैठकर नदी के किनारे आनंद कर रहा है, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा देश खतरे में है, क्योंकि ये माना जाता है देश यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी देश, और राहुल गांधी कहते हैं डरो मत सवाल करो, डरो मत सवाल करो, अरुण तिवारी सवाल ही तो कर रहा है। अरुण तिवारी का कांग्रेस मुंह तो खत्म नहीं हुआ, ये बात साफ है कि अभी भी मेरे खून में कांग्रेस है, मेरे खून में कांग्रेस है, पर वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, वो राजीव गांधी की कांग्रेस है, वो राहुल गांधी के पद यात्रा करने वाले जज्बात की कांग्रेस है, पर मेरे में भूपेश बघेल की कांग्रेस न थी न है और न रहेगी। आखिरी सवाल जो हम आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि आप काफी जोशीले भी हैं जी, आपके निकटतम प्रतिद्वंदी के तौर पे किसे देखते हैं, अमर अग्रवाल को या शैलेश पांडे को? मैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में अरुण तिवारी को देखता हूँ, मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ। मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं। मुख्यमंत्री से बात याद आया कि महादेव ऐप की खूब चर्चा चल रही है, अब तो उसमें अमर अग्रवाल का भी नाम आ रहा है, उसके परिवार के किसी सदस्य की वाहन का इस्तेमाल उस पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग वाले जैसे पैसे इस्तेमाल करने में हुआ था। नहीं बेटा, कोई यहाँ वापिस आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिला अध्यक्ष रहा, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, एक मिली जुली कुश्ती चल रही कांग्रेस और बीजेपी में। मैं जब जिला अध्यक्ष था, भदौरा जमीन घोटाला कांड के लिए अमर अग्रवाल के खिलाफ में नेहरू चौक में 3 दिन का धरना दिया गया कि अमर अग्रवाल अंदर हो जाएगा। नंद कुमार पटेल थे उस समय अध्यक्ष और मैं जिला अध्यक्ष। 5 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार है, भदौरा का नाम आप मीडिया के हैं कभी सुना? 5 साल में आपने भदौरा का नाम सुना? क्या आपने विधानसभा में भदौरा का नाम सुना? तो ये फिक्सिंग किसकी है? ये मिलीजुली कुश्ती किसकी है? ये नूरा कुश्ती किसकी है? इस जनता को कांग्रेस और भाजपा मिलकर एक दूसरे को डांट दे रहे हैं और असली षड्यंत्र जनता के खिलाफ हो रहा है। दूसरी बात, 5 साल पहले कांग्रेस भवन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस वालों ने घुसकर डंडा मारा, हम सब लोगों ने आंदोलन किया, रमन सिंह जी ने बकायदा जांच की घोषणा की और कहा जांच होने के बाद दोषी पे कार्रवाई होगी। 18 सितंबर 2018 को ये केस हुआ था लाठीचार्ज, और 3 घंटे के बाद 18 सितंबर को ही भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भागते हुए कोनी थाना आ गए। अगले दिन पुनिया जी दिल्ली से आ गए, उसके अगले दिन प्रदेश वर्किंग कमेटी की बैठक बिलासपुर में हो गई, और बरसते पानी में पुनिया जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, पूर्व केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत जो आज विधानसभा अध्यक्ष हैं, और हम जैसे हजारों कार्यकर्ता सिविल लाइन थाने में जाकर FIR लिखाने के लिए दबाव बनाए, अंततः लिखी गई, जांच की घोषणा हुई। 5 साल हो गए, जांच नहीं हो पाई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लाठी पड़े, मेरे को नहीं पड़ी थी, मैं तो जाकर बकायदा गाड़ी में बैठ गया था, मैं जानता था होने वाला है, क्योंकि जिनको लाठी पड़ी उनको तो पद मिल गए, मंडल वंडल मिल गए, वो तो सेट हो गए। जो पद के भूखे हैं, जो पद के भूखे हैं, वो पद पे यकीन करते हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हुई क्या? अगर पदों से उन डंडे खाने वाले लोगों को भी तोल दिया जाए जिनको कोई पद नहीं मिला, मैं नाम बता रहा हूं, तरुण तिवारी कौन सा पद मिला है कोई बताए? सीमा सोनी कौन सा पद मिला है कोई बताए? ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिनको कुछ नहीं मिला है, सिर्फ धोखा मिला है, धोखा मिला है, धोखा मिला है। 5 साल में जांच करके सवाल कांग्रेस कार्यकर्ता को तो नहीं गया था, कांग्रेस पार्टी को मौका था कि 5 साल में जांच करके अमर अग्रवाल को थाना और जेल तो भिजवा देते, नहीं किया। मिली जुली कुश्ती है, ये लोग फिक्सिंग करते हैं, वो भी लाठीचार्ज फिक्सिंग का नमूना था, मेरा ये आरोप है। अब मैं भूपेश बघेल को चैलेंज कर रहा हूं, वो मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें, हाई कोर्ट में निपटूंगा मैं भूपेश बघेल से। ये पूरा सूत्रधार षड्यंत्र का भूपेश बघेल था, मैं था कह रहा हूं, थे भी नहीं कह रहा, मैं मानहानि कर रहा हूं, अगर था और थे में अंतर है तो भूपेश बघेल सूत्रधार था। अटल श्रीवास्तव को टिकट नहीं मिल रही थी, दिल्ली में टोटल मना कर दिया गया था, उसने कहा खत्म बात हो गई, एक ही चीज है तू अपने को पिटवा ले। तो किससे पिटवाया? नीरज चंद्राकर से। कौन है नीरज चंद्राकर? भूपेश बघेल का रिश्तेदार। भूपेश बघेल का रिश्तेदार नीरज चंद्राकर डंडे पड़वा रहा है पूरे लोगों को,
वहां पर तीन लोग थे जो मूवी बना रहे थे, अभय नारायण राय, अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महेश दुबे, अरपा विकास प्राधिकरण के डायरेक्टर सदस्य। एक डंडा भी खाए क्या? अगर एक डंडा का फोटो महेश दुबे अभय नारायण राय दिखा दें तो मैं भूपेश बघेल के साष्टांग प्रणाम करने को तैयार हूं। एक पॉइंट। सेकंड, विजय किशन वानी वहां था, शहर अध्यक्ष, उसको डंडा कोई पड़ा क्या वो बता दे, उसकी फोटो दिखा दे। मैं मान जाऊंगा मैं गलत हूं। मैं पूछना चाहता हूं, विष्णु यादव को डंडा पड़ा, अजरा खान को डंडा पड़ा, हमारे केसरी को डंडा पड़ा, सुबोध केसरी को डंडा पड़ा, तरुण देव को डंडा पड़ा, महेश दुबे अभय नारायण राय और विजय केसवानी को डंडा क्यों नहीं पड़ा? जीराधर को डंडा नहीं पड़ रहा है, अटल श्रीवास्तव को डंडा पड़ा, और एक नहीं घूम घूम के डंडा और डट के वायरल 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 करो वायरल करो। ये षड्यंत्र था अटल श्रीवास्तव को टिकट दिलाने का, भूपेश बघेल के दिमाग का षड्यंत्र था। क्योंकि वो एक बात और कह दूंगा, और ये बात मैं ऊपर वाले को हाजी नाजी के कहता हूं, अभी एक आदमी जिंदा है पुनिया जी, मोतीलाल बोरा जी ने मेरे ही सामने हवाई जहाज में, मैं बैठा था, पुनिया जी बैठे थे, बोरा जी बैठे थे, बोरा जी ने बताया, पुनिया जी ये जो भूपेश बघेल है, उसमें सरकार नहीं बनी थी कांग्रेस की, ये जो भूपेश बघेल है ये सफेदा लगा के टिकट पाया है, टिकट तो किसी और को मिली थी, ये सफेदा लगा के अपना नाम लिख लिया, क्योंकि इसके निकटतम गुरु कह लो, संबंधी कह लो, सजाती कह लो, वासुदेव चंद्राकर, इसने अपना नाम लिखा और बी फॉर्म जमा कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोतीलाल जी बोरा ने बकायदा पुनिया जी को कहा, मेरे सामने की बात है। तो जब आदमी तो की पृष्ठभूमि ये हो, हमारे साथ जो है अरुण तिवारी जी थे, मैं माफी चाहूंगा आपको, कोई बात नहीं, कि उन्होंने बेबाकी से कई महत्वपूर्ण बातों को न सिर्फ कहा है बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हो या शहर के मेयर पर हो या फिर प्रशासन पर हो, इधर जो है वो इस वक्त के मौजूदा जो जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी विधायक तमाम लोगों के प्रति उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है और सीधे सीधे शब्दों पर आरोप लगाए हैं, और उनकी जो पीड़ा है, दर्द है, बतौर जो है खांटी कांग्रेसी होने के नाते, एक खालिस कांग्रेसी होने के नाते, ये जो दर्द है वो अब उनके व्यवहार में झलक कर दिखने लगा है। यही वजह है कि वो अब सड़कों पर डटे हुए हैं और कांग्रेस को इस प्रदूषण से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के संघर्ष उनकी जारी है। लेकिन फिर भी जो लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस बात को याद रखें कि अरुण तिवारी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बागी होने का साहस किया है, और यही कारण है कि कांग्रेस ने इनको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाने की नीति जो है वो तैयार कर ली है। और इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि जो व्यक्तिगत कन्वर्सेशन या बातचीत है उसको सार्वजनिक करके शहर के मेयर या विधायक या किसी और को डिफ्रेम करना या बदनाम करना, ये भी अरुण तिवारी की खास रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। तमाम तरह के कयासों में अब जब दूसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं 17 तारीख को, तो देखना होगा कि अरुण तिवारी जैसे बागी नेताओं के साथ जनता क्या करती है और जनता जनार्दन का जो फैसला होगा वो किसके हक में होगा। मैं एक ही कहना चाहूंगा, दुश्मनों का मैं हूं दुश्मन, दुश्मनों का मैं हूं दुश्मन, यार का मैं यार हूं, दुश्मनों का मैं हूं दुश्मन, यार का मैं यार हूं, अमन में फूलों की डाली, जंग में तलवार हूं, और जिस किसी में हौसला हो, जिस किसी में हौसला हो आज मैं आके देख ले, स्वाभिमान के वास्ते मैं मरने को तैयार हूं, मुझ पर हाथ उठाने से पहले आदमी अपना भविष्य जान ले कि फिर क्या होगा, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, तो या तो मार के जाऊंगा या मर के जाऊंगा संतान घाट। ऐसी बातें, ऐसी तेवर जो है वो राजनीति में कम देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये करवट इसलिए आई है कि साल 2018 के चुनाव के बाद साल 2023 के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ कैंडिडेट चुने जाने से लेकर टिकट देने और चुनाव लड़ने तक तमाम प्रतिक्रियाओं में बड़ा बदलाव आया है, और उसका नतीजा ये है कि अब ये मुकाबला जंगी नजर आने लगा है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।